हेलो, माय सेल्फ मनोज कुबरागढ़े। हम डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि बिगनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मैसेज है फ्रीलांसिंग वेबसाइट से आया है स्पेशली बिगनर्स लोगों के लिए। आप जो है वो इंपॉर्टेंट मैसेज जो है स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हो। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट में कोई भी काम या फिर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हो और आगे वाला क्लाइंट जो है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फी के नाम से आपसे पैसे मांगता है काम स्टार्ट करने से पहले, तो ये 100% स्कैम है। मैंने सेम चीज जो है इस वीडियो में भी बताया था, सेम चीज सिक्योरिटी डिपॉजिट फी के बारे में। और दूसरी चीज ये भी बोली गई है कि अगर आप कुछ प्रोजेक्ट या काम के लिए अप्लाई करते हो और आगे वाला क्लाइंट जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट में चैट करने के अलावा वो आपको किसी अदर सोशल मीडिया में बुलाता है जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, तो फिर यार फ्रॉड या फिर स्कैम होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 100% जो है जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम में बुलाता है वो 100% फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं होता है। बट 99% में जो है बिगनर्स के साथ होता ही होता है, क्योंकि स्कैमर लोग जो है वो बेसिकली बिगनर्स को ही टारगेट करते हैं और वो अदर सोशल मीडिया से जो है जल्दी से फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स नहीं हो तो आप जो है अदर सोशल मीडिया पे चैट भी करते हो जाके तो आपको जो है समझ जाता है, लेकिन यार बिगनर्स लोग उस पे समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आगे वाला पर्सन सिक्योरिटी डिपॉजिट फी अगर मांगेगा तो आपको बिल्कुल नहीं देना है, वो 100% स्कैम होता है। और दूसरा, अगर आगे वाला क्लाइंट जो है आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर अदर सोशल मीडिया में आने बोलता है तो या फिर बहुत ज्यादा स्कैम के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो उन क्लाइंट को बोलना है कि जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट में जो चैट का ऑप्शन है आप वहीं पे जाके जो है वर्क डिस्कस करना चाहते हो। इन दो चीजों के अलावा आपको और एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप प्रोजेक्ट लेते हो, ध्यान रखिए आप ऐसे फ्रीलांस अकाउंट से काम लीजिए जो कि फ्रीलांस अकाउंट थोड़ा पुराना है या फिर उसका कुछ रिव्यूज दिया गया है। अगर आप बहुत ही नए नए फ्रीलांस अकाउंट से जो है काम लेते हो तो हो सकता है कि वो जो अकाउंट है वो 100% जो है स्कैमर का ही अकाउंट हो, क्योंकि स्कैमर लोग जो है नया नया अकाउंट बनाते हैं और जल्दी से काम देते हैं किसी भी बिगनर्स को और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आपको जो है कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो मुझे जो है सेम टाइप के जो है मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो ही बना दिया जाए, क्योंकि फ्रीलांसिंग वेबसाइट से भी एक ऑफिशियल नोटिस आया है। आपको ये ध्यान रखना है अगर आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं। तो आई होप सो आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।